मेरे पीछे पीछे क्यों पड़ते हो? जब बोल दिया कि तुम मेरे पीछे मत करो तो इतना पीछे क्यों पड़ते हो? जब पीछे आऊंगा तभी तो कुछ पाऊंगा, अगर जो तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा तो पाऊंगा क्या? तो किस चीज के लिए पीछे पड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जवानी। मेरी जवानी? अच्छा, फोकट में आया है क्या? ऐसे भरेंगे, ऐसे गन भरेंगे, खटक खटक, और ऐसे चला देंगे मुझे। अच्छा, तुम्हें गन चलाना है इसलिए मैं चाहिए, मैं मतलब मेरा जरूरत है तुम्हें। वो प्यार का गन, ऐसे दिल में तुम्हारे। अच्छा, प्यार का गन कहाँ है? वो कैसा होता है मुझे दिखाओ। देखो तुम यहाँ पे बता, ऐसे और यहाँ पे देखो, चला, समझी? इतने गिरे हुए, कितने खराब हो, तुम्हें क्या बोलना चाहिए, कैसी बात करना चाहिए, तमीज नहीं है क्या? बदतमीज। तुम मुझे पसंद आ गई हो तो तमीज कहाँ से आई? थोड़ा अच्छे से बात करो, हाँ, थोड़ा तमीज से, इज्जत से बात करो, समझे? तो इज्जत दो ना, तो मैं तुम्हारा इज्जत लूंगा और अपना इज्जत दूंगा। अच्छा, मेरा इज्जत पानी पूरी है, मैं बना दूंगा। तो क्या तुम अपने आप को ठेला वाला समझते हो जो पानी पूरी बना कर दोगे? ठेला वाला का मालिक समझता हूँ ना, तो मुँह देखो, शक्ल देखो अपना। अगर अच्छा ना होता तो तुम मेरी तरफ देखती, उधर देखती ना। देखो, मैंने मुझे तुम्हें बस इतना कहना है कि मुझसे प्यार है। मेरा पीछा मत करो और आगे से आओ। आगे से क्या? देखो, ज्यादा बकवास मत करो, अभी मेरे मुँह से गाली निकलेगा। अच्छा, यही होगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी, सबके लिए, कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। हाँ, नहीं तो तुम्हारे मुँह से गाली निकलेगा तो मेरा क्या खाली जाएगा, साथ में गाली को लेके जाएगा। और तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, तुम ही बताओ। कमीने? हाँ बोलो, क्या क्या बात है? मेरा कमीना ही नाम है। गधे? वो भी सही है। लुच्चा? चलेगा। और देखो, दिखाओ। मैं चप्पल से मुंह में मारूंगी। मुंह में क्यों, पूरे सर में मेरे चप्पल मार दो। मिट्टी के बने हो? मिट्टी के नहीं, तुम तो ओ क्या बोलते, सीमेंट के बने हो। हाँ, जो टूटेगा नहीं, जो एकदम मजबूत है। और टूटेगा तो ना फिर जुटेगा नहीं। हाँ, टूटेगा तो जुटेगा नहीं, फिर से सीमेंट लगाना पड़ेगा। अपने आप को सलमान खान समझते हो क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा मर्द समझता हूँ। तुम्हारे दिमाग खराब है? यहाँ पे देखो, ये क्या है? ओ ये तो मैं भी खरीद सकता हूँ, ये मैं भी लगा सकता हूँ। ये बेवकूफ को इतना भी पता नहीं, जो मंगलसूत्र पहनती है, मांग भरती है, उस शादीशुदा लड़की होती है, नहीं पता है क्या बेवकूफ तुम्हें? तो क्या हुआ, शादीशुदा हो तो क्या हुआ, शरीर तो तुम्हारा तुम्हारे पास है। अरे पागल, अकल के दुश्मन, मेरा पति है। तो साथ में तो नहीं है? अरे तो घर पे तो है। तो क्या हुआ, यहाँ पे नहीं है ना? शादी होने से मतलब ये थोड़ी ना कि पति तुम्हारे यहाँ पे आके चढ़ गया है ऐसे। हाँ, ये मंगलसूत्र लगाने का मतलब ये तो नहीं कि पति तुम्हारे गले में लटका है। अकेली हो हमेशा, दिमाग में सब भूसा भरा है क्या? हाँ, तुम्हारा सिर्फ भरा है। देखो पूरे मेरे अंग, अंग, अंग। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ। मैं तुम्हें मतलब मुझे तुम चाहते हो? हाँ, प्यार करते हो? बहुत ही ज्यादा। अच्छा, तो तुम शादी भी करना चाहते हो? हाँ। तो एक बात है, तुम कान खोल के सुनो। ये लो, खुल गया। इस जन्म में ना, हाँ। तुम मुझे कभी भी नहीं पाओगे क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। ये कान फिर बंद हो और मुझे भूल जाओ, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। अब भूलने के लिए जो तू कह रही हो तो तुम मेरी मुझसे अपनी शादी कर लो और तुम अपने पति को भूल जाओ। किसी और को पत्नी को छूने की हिम्मत भी तुम्हें कहाँ से आ जाती? तुम्हारी पत्नी को ऐसे कोई छूए तो? तो मैं उसकी पत्नी को छू लूंगा। देखो तुम इंसान नहीं हो, तुम हो जानवर, तो मैं जानवर के साथ तो रह नहीं सकती हूँ ना, तो मुझे इंसान चाहिए। और मेरे मुझे जो इंसान चाहिए वो तो मैंने पा चुकी हूँ, तो तुम किसी और को ढूंढो और अपनी वो क्या बोलते दुनिया घर जो बसाना है बसाओ। लेकिन मेरे सिंह नहीं है ना, मैं कैसे जानवर बना?
अभी तो मैं इंसान अच्छा, चलो तुम इंसान ही हो ठीक इंसान ही अच्छा तो तुम अब जाओ अपने रास्ते किसी और को ढूंढो शादी करो प्यार करो जो तुम्हें करना चाहिए वो करो लेकिन मेरा और मुझे तुम तो यहाँ से शुरू होता है दूर से देखो तुमने अगर मेरी पीछा फिर भी किया ना हाँ, अभी हाँ, मैं तो यहाँ से जाऊंगी हाँ, अगर तुम मेरे पीछे पीछे आए ना तो मैं पुलिस को फोन करके बुला दूंगी और बंद करवा दूंगी जेल में और फिर छुड़ाने आओगी कहोगी यही मेरा पति है ना यहाँ पे चुतिया लिखा है क्या जो मैं तुम्हें छुड़ाने आऊंगी यहाँ पे मेरा प्यार लिखा है समझी तुम पागल हो तुम्हारे प्यार में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी पूरा ये काम करो तो ये काम बहुत सही है यहाँ पे क्यों यहाँ पे करो इसके मतलब पड़ हाँ। गई हो तुम झापड़ मारूंगी झापड़ छक्का मार दिया मैंने चौका छक्का क्या तुम पड़ गई हो मैं क्यों पटूंगी रे अभी तुमने कहा यहाँ करो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें मारी तो मैंने गलत की और तुमने यहाँ पे मेरा चाटा तो तुमने कहा कि एक ओ चाटा देखो दिखाओ यहाँ से चल बस साथ में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा तुम्हें लेके चल अभी इतना चिल्लाऊंगी ना हाँ मेरा घर भी दूर नहीं है ये खेत है ना अभी सुनो ना चिल्लाने का टाइम अभी उधर चलेंगे तब चिल्लाना अच्छा हाँ इतना चिल्लाना वहाँ पे जाना ही नहीं पड़ेगा कि तुम यहीं पे चिल्लाने लगोगे चिल्लाओ हुँ? इसका मतलब तुम मुझसे पट गई हो यहीं पे अच्छा बुलाऊं अभी नहीं सबको बुलाऊं अभी नहीं हुँ? पहले हमारा तुम्हारा मेल मिलाप तो हो जाए उसके बाद में बुलाओ और मेरे साथ चलो अच्छा हाँ सच में रुके सुर लगा रही हो सुनिए सा देखो मैंने मोबाइल आज घर पे छोड़ के आई हूँ इसलिए ये तो तुम्हारी चालाकी है देखो मैं जा रही हूँ बकवास मत करो मेरे पीछा मत आना सच में हाँ लेकिन मैं तो आऊंगा मैं सच में मैं बुला दूंगी इतना चिल्लाऊंगी ना अरे कर भी लो यार क्या परेशानी है इतना प्यार करता हूँ पीछे पीछे रहता हूँ आगे से आऊंगा कसम से तुम तो क्या बोलो कुछ मत बोलो सिर्फ आई लव यू बोलो तो बीच चौरा में ले जाके ना गोली मार दो कीमा बनाना चाहिए हा? तुम्हारा तो कीमा सच में उसके बाद में तुम खाओगी वो मोमा मैं और तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ कीमा नहीं खाओगी मेरा हाँ नहीं खाऊंगी चलो ना उधर चलते हैं देखो दिमाग खराब मत करो मैं जा रही हूँ मेरे पीछा मत आना हम समझ रहे हैं ये तुम्हारा आइडिया है मुझे आइडिया कुछ नहीं है तुम्हारा ये आइडिया है अगर जो तुम ऐसे कहोगी कि मेरे पीछे मत आओ तो मैं आऊंगा अगर जो तुम ये कहोगी मेरे पीछे आओ तो मैं अच्छा, नहीं आऊंगा तुम मेरे पीछे पीछे आना ठीक है अच्छा ओके हाँ, आओ। अभी देखो तुमने बुलाया तो मैं आ जाऊंगा